जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सराई टीवी में एक बार बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के 22 जिलों में जो आईटीआई को मेल लगना है, ठीक है ना, अप्रेंटिस मेल, प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेल लगना, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये लगने वाला है आपकी मध्य प्रदेश के 22 जिलों में। ठीक है, कौन कौन सी आईटीआई लगने वाला वो आप लोग यहाँ पर देख लो। तो आप लोगों को जो फॉर्म रहेगा वो ऑफलाइन यहाँ पर जो गूगल लिंक है उसके माध्यम से आप लोगों को आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिंक दी है इस लिंक पर, ठीक है, आप लोगों को इस लिंक पे आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं आप लोग इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 सितंबर को मेला लगना आप लोगों को 10 बजे से, ये मेला लगेगा आप लोगों को मध्य प्रदेश के 22 जिलों में लगना है। ठीक है ना, 22 जिले की आईटीआई में कौन कौन सी आईटीआई लगना वो देख लो। बैतूल आईटीआई, भोपाल आईटीआई, हरदा आईटीआई, नर्मदापुरम आईटीआई, मंडी दीप आईटीआई, राजगढ़ आईटीआई, सीहोर आईटीआई, विदिशा आईटीआई, भिंड आईटीआई, दतिया आईटीआई, अशोकनगर आईटीआई, गुना आईटीआई, ग्वालियर आईटीआई, मुरैना आईटीआई, श्योपुर आईटीआई, शिवपुरी आईटीआई और छतरपुर आईटी, दमोह आईटी, पन्ना आईटी, सागर आईटी, टीकमगढ़ आईटी और ओरछा आईटी। ठीक है, इनमें लगना प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला। ठीक है, आपका जो चयन किया जाएगा वो किया जाएगा इंटरव्यू के आधार पर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। और यहाँ पे आप लोगों का जो कैसे करना होगा आवेदन वो भी एक बार देख लो आप लोग यहाँ पर कि ये जो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला है वो लगना। ठीक है, अब आप लोग इसका हम लिंक देते हैं हमारे यहाँ वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक। ठीक है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कैसे करना, देखिए यहाँ से लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ये लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपको लोग इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे भी आप लोग कॉल करके अपना जो इन्फॉर्मेशन दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं लिंक पर। देखिए इस तरह का फॉर्म आ जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर आपका जाएगा नाम, जो भी आपका नाम होगा, इसके पश्चात आपके पिता का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पर आप पुरुष महिला जो बोल लिखे हैं। ठीक है, इसके पश्चात आपके धर्म से रिलीजन से वो करते हैं, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा आप। ठीक है, यहाँ पे आपकी श्रेणी क्या है, जनरल ओबीसी कैस्टी की जो भी लिखें, और यहाँ पे आप लोगों को क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित आपका भूमक्कड़ घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग से आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। ठीक है, यह अभ्यर्थी दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो करें। ठीक है, अभ्यर्थी पूरा पेन सहित पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर, आपका गृह होम क्या है, मध्य प्रदेश है या ठीक है अन्य कोई राज्य, आपका गृह जिला का सिलेक्ट करना पड़ेगा वो यहाँ पर कर लें सिलेक्ट। ठीक है, और ठीक है ये गृह जिला यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका व्हाट्सअप नंबर वो डालना पड़ेगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर वो डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी वो डालना पड़ेगी। ठीक है, इसके पश्चात आपकी योग्यता आपकी क्या है, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं आईटीआई, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो यहाँ पर डालना है आप लोग। और यहाँ पर आप लोग जैसे ही नेक्स्ट करोगे फिर आपकी जो एजुकेशन, देखो मैं डाल के बता देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट करते हो आपके सामने ही खुल जाएगा, आपका आईटीआई का नाम डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आज जो भी आपकी ट्रेड करी है आपने आईटीआई से वो यहाँ पर डालने, तो मान लो मैंने ये करा कंप्यूटर ऑपरेटर, मैंने आप क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आपका ट्रेड एनसीबीटी एससीबीटी है तो आप जो भी वो डाल दें यहाँ पे, और आईटीआई का जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर डाल दें, आपको जो भी रोल नंबर होगा, आपने प्रवेश कब लिया आईटीआई वो डाल दें, मान लो मैंने 2017 में प्रवेश लिया। ठीक है, और आईटीआई का रोल नंबर मान लो मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे उत्तीर्ण कब हुआ मान लो 2018 में हुआ। ठीक है, यहाँ पे आईटीआई का नेम आ जाएगा आपका। ठीक है, जो भी आपका आईटीआई का नेम होगा वो यहाँ पर डाल दें। ठीक है, इसके बाद आईटीआई प्रकार कौन सा है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, यहाँ पे आप लोगों को जिले का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जिले का नाम है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मेरा जिले का नाम है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जिले का नाम कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट। ठीक है, तो ये सभी को आप कर लेना है, और आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करोगे आपको सामने जाएगा लास्ट में अप्रेंटिस मेले की जानकारी आपको कहाँ से मिली, तो आप लोगों को जैसे हमारे वीडियो के माध्यम से मिल रही है तो आप लोग यहाँ पर लिखते हैं कि दिनेश सर आईटी चैनल के माध्यम से मिली। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिख देना, क्या लिखना है यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, सोशल मीडिया लिख देना या जहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आप सोशल मीडिया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे होने वाली। ठीक है, और नाम भी नहीं आ रहा लिखने का अलग ही। तो ये आज की मैंने इन्फॉर्मेशन थी, जिन आवेदकों को इसमें जाए मेले में जाना वो लोग जाएँ, और कहीं ना कहीं की कंपनी आने वाली तो आपकी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी या आप रोजगार से लग जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। इस हम लिंक दे देंगे हमारी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाते हैं आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक्स।